हेलो एवरीवन, वेलकम टू सॉल्ट पेपर एंड मैजिक। आज मैं मीठी सॉल्ट यानी मीठी इमली की चटनी की रेसिपी लेके आई हूँ। आइए शुरू करते हैं। यहाँ मैंने 100 ग्राम सूखी हुई इमली ली है। इसको अब मैं एक कप गर्म पानी में भिगा के इसको 15 मिनट्स के लिए रख दूँगी। उसके बाद मैं इसको मैश करके इसका पल्प निकाल लूँगी। यहाँ मैंने एक पैन लिया है। अब मैं इसमें जो मैंने इमली का पल्प निकाला है मैं वो डालूंगी। अब मैं इसको 5 मिनट तक हाई फ्लेम पे कुक करूंगी। पाँच मिनट हो गए हैं। अब मैं इसमें गुड़ डाल रही हूँ। गुड़ को मैंने क्रश कर लिया है जिससे जल्दी मेल्ट हो जाएगा। अगर आप इसको बिना क्रश करे डालेंगे तो बहुत टाइम ले लेता है। मैंने यहाँ 250 ग्राम्स गुड़ लिया था। अब मैं 250 ग्राम्स ही शुगर ले रही हूँ। अगर आपको शुगर नहीं यूज़ करनी है तो आप गुड़ ही यूज़ कर सकते हैं इसमें, बट आप उसमें गुड़ फिर 500 ग्राम्स लेंगे। अब इसमें हम गुड़ और शुगर मेल्ट होने तक इसको कुक करेंगे। ये यहाँ सॉल्ट में बॉईल आ गया है और इसमें गुड़ और शुगर दोनों डिसॉल्व हो गई हैं। अब मैं इसमें 1 टीस्पून ज़ौफ गरम मसाला डाल रही हूँ। वन टीस्पून ज़ौफ चिली पाउडर, 1 टीस्पून जिंजर पाउडर एंड 1 टीस्पून ज़ौफ रोस्टेड जीरा पाउडर। अब मैं इसमें ब्लैक सॉल्ट डाल रही हूँ 1 टीस्पून। अब इन सब मसालों को अच्छे से मिक्स करके हम इसको 10 मिनट के लिए और कुक करेंगे। अब मैं इसमें यहाँ थोड़ा सा रेड कलर यूज़ कर रही हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं यूज़ करना तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून किशमिश डाल रही हूँ मैं इसमें, 1/2 टीस्पून सॉल्ट। एट लास्ट मैं इसमें 2 टेबलस्पून मेलन सीड्स डाल रही हूँ। मेलन सीड डालने से इसका जो लुक होता है वो बहुत अच्छा हो जाता है, बट ये ऑप्शनल है। आपको अगर नहीं डालना है, आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और गाइस, रेडी है हमारी सॉल्ट इमली की चटनी। देखा गाइस, सॉल्ट बनाना कितना ईजी होता है। अब आप बाहर से सॉल्ट लाना बंद कर दीजिए और घर में बनाना शुरू कर दीजिए। अगर आपको सॉल्ट पसंद है एंड आप जनरली चाट एंड गोलगप्पे घर में बनाते हैं तो डू ट्राई दिस रेसिपी एट होम एंड कीप फॉलोइंग मी। थैंक यू।